नमस्कार, शॉर्टकट इंडियन न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज की पहली खबर, संजय रावत ने कहा मुंबई मराठी मानुस के बाप की है, जिन्हें ये मंजूर नहीं वो अपना बाप दिखाए। आज की दूसरी खबर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमय खोपकर ने भी कंगना रनावत के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कंगना रनावत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार देशद्रोह का मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार करे। आज की तीसरी खबर, फिर नीट और जीई परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, 6 राज्यों की पुनर्विचार याचिका खारिज। आज की चौथी खबर, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की ओर से पहला मेड इन इंडिया बैटल रॉयल गेम फाउजी अनाउंस किया गया। पबजी बैन के चलते प्लेयर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं, अब वे आत्मनिर्भर भारत के सपोर्ट करते हुए नया गेम खेल पाएंगे। आपदा में औसत देखने वाले हमारे सुपरस्टार अक्षय कुमार। आज की पांचवी खबर, चुनाव आयोग ने कहा 29 नवंबर से पहले संपन्न हो जाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार चुनाव के साथ ही देश के 65 सीटों का उपचुनाव भी होंगे। नेताओं को सिर्फ चुनाव की पड़ी है, आपकी जॉब की नहीं। वोट देते समय आप जनता ध्यान रखें। आज की छठी खबर, भारत ने रूस के साथ 7 लाख से अधिक AK-47 203 राइफल की डील की। ये राइफल महज 1 मिनट के अंदर ही 600 गोलियां दाग देती है। आज की सातवीं खबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि कोरोना वैक्सीन में अभी और वक्त लगेगा, वैक्सीन अगले साल के मध्य तक नहीं बनेगी। आज की आठवीं खबर, भारत का चीन को एक और झटका, अब मेड इन चाइना ड्रग्स पर मोदी सरकार ने लगाई भारी टैक्स, अब मेड इन चाइना दवाई बिकेंगी भारत में महंगी। आज की नवी खबर, कोरोना काल में चाइनीज इन्वेस्टेड पेटीएम ऐप की हुई चांदी, रोजाना कमाई 10 करोड़ रुपए। आज की दसवीं खबर, बॉलीवुड से बिग बॉस 14 में होगी रसोड़े में कौन था के रैपर एस राज की एंट्री। नमस्कार, धन्यवाद, महात्मा की जय।